आज सराय काले खां में हैं। सराय काले खां का मामला आप कंटिन्यू देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। तिलक 16 वर्षीय जिसकी गोली मारकर जो है हत्या की गई थी और उसे बांधकर गटर में डाला गया। तो आज 27 मई है और ये मामला 28 मार्च 2023 का है और आज यानी पूरे 2 महीने जो है आज हो चुके हैं और तिलक की बॉडी जो है आज तक नहीं मिल पाई। हम मौका वारदात पर हैं, यहाँ पर जिस नाले में जिस गटर में उसको फेंका गया था वहीं पर हैं हम आज। और दिल्ली के युवा यहाँ पर लगातार बने हुए हैं और सुनीता की सपोर्ट में खड़े हैं। तो जानते हैं आज उनकी पुलिस प्रशासन से भी बात हुई है और क्या विजिट उन्होंने किया और क्या यहाँ के विधायक ने उनके लिए किया, क्योंकि तो यहाँ पर दिल्ली के तमाम युवा इकट्ठा हैं और बाहर से भी जो है वो उत्तर प्रदेश से भी आए हैं और संत यहाँ पर आए हैं जो कि ऋषिकेश से यानी हरिद्वार से आए हैं। तो सुनीता भी यहाँ मौजूद है, ये सुनीता है और ये विशाल चावरिया जी हैं, दीपक पारचा जी हैं और अन्य साथी और संत हमारे यहाँ पर जो ऋषिकेश से आए हैं वो भी यहाँ पर है। और जितने भी युवा आप देख रहे हैं चेहरे, सभी को आप तकरीबन भली भांति जानते हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं हम विशाल जी से, क्योंकि विशाल जी की ही जो है मीटिंग और इन्होंने घेराव किया था यहाँ के विधायक का। तो विशाल जी क्या कहना चाहेंगे, विधायक ने आपको पूरा आश्वासन दिया था और घर पर भी वो आए थे सुनीता के। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ और सुनील भाई मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, जो आप आवाज़ उठाते हो मजबूर लोगों की, गरीब लोगों की, मैं आपके चैनल को सैल्यूट करता हूँ मेरे भाई। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ जो यहाँ का MLA है सराय काले खां का, आम आदमी पार्टी का, वो आया नहीं था। उसके घर का हमने घेराव करा था, उसके घर पे हमने धरना दिया था। जब आया और हमने मीटिंग करी उससे तो उसने आश्वासन दिया कि 2 दिन के अंदर मैं यहाँ गोताखोर बुलाऊँगा, बड़ी वाली मशीन बुलाऊँगा जिससे बच्चे की बॉडी निकाल के उसकी माँ को सौंपूँगा। पर वो फैल हो गया अपने, पर वो वीडियो बना के चला गया, आश्वासन दे के चला गया। अब हम उसे फ़ोन कर रहे हैं, वो फ़ोन नहीं उठा रहा। ये माँ ने भी फ़ोन करा, फ़ोन नहीं उठा रहा। काफ़ी बार मैंने फ़ोन कर लिया, 10-15 बार मैंने फ़ोन कर लिया, फ़ोन नहीं उठा रहा। तो ये इनकी नाकामी है और ये फैल सरकार है। हम तो ये चाहते हैं कि कोई भी आए यहाँ पे, या BJP का आए या कांग्रेस का आए या आम आदमी पार्टी का आए, इस बहन की मदद करे। वो हमारा हीरो है, वो हमारा नेता है, ठीक है मेरे भाइयों। और मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ अपने वाल्मीकि समाज के आदमियों से कि भाई सब भाई यहाँ पे इकट्ठा हो और इस बहन की मदद करें। ये बहन कुछ नहीं मांग रही है, ये बहन कुछ नहीं मांग रही है, ये बहन सिर्फ अपना जो बच्चे का मर्डर करके नाले में फेंक दिया गया है, ये उस बच्चे को मांग रही है कि नाले में से निकाल के इसकी झोली में डाल दिया जाए। और यही मांग रही है मेरे भाइयों, ये आपसे कुछ नहीं मांग रही है, ये समाज से कुछ नहीं मांग रही है। वाल्मीकि समाज आज दिल्ली के अंदर 40 लाख है मेरे भाई, और इस केजरीवाल को गद्दी पे बिठाने वाला वाल्मीकि समाज है। आज मैं कहता हूँ कि ये केजरीवाल कहाँ पे है जो छोटी छोटी बातों पे धरने देता था, छोटी छोटी बातों पे हड़ताल करता था, भूखा मरता था, तो आज कहाँ है। हमारे समाज के साथ ये घटना हो गई है, गोली मार के हाथ पैर बांध के बच्चे का मर्डर करके नाले में फेंक दिया गया है। हम कह रहे हैं आरोपियों को सज़ा मिलेगी, वो कानून अपना काम कर रहा है, पर मैं नेता से पूछना चाहता हूँ नेता अपना काम कब करेगा। अरे नेता से हम बड़ी चीज़ नहीं मांग रहे हैं। केजरीवाल साहब क्या कर सकते हैं इसमें, मुख्यमंत्री क्या कर सकता है इसमें? बड़े भैया वो तो बहुत कुछ कर सकते हैं, उनके लिए तो छोटी बात है कि मशीन भेजना और गोताखोर भेजना, छोटी बात है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ कि अभी और होना चाहिए किसी बड़े नेता की बच्चा मर जाए नाले के अंदर, सारा नाला खोद दिया जाएगा, सारे नाले पार दिए जाएंगे और उस बच्चे की बॉडी निकालने में नेता भी और अभिनेता भी और सारे लोग लग जाएंगे। तो मेरे भाइयों ये कहाँ का इंसाफ है? क्या इसका मतलब वाल्मीकि होना गुनाह है? वाल्मीकि होना, गरीब होना गुनाह है? मैं पूछना चाहता हूँ नेताओं से, इन अभिनेताओं से, इनको नेता किस लिए बनाया जाता है? इनको नेता किस लिए बनाया जाता है कि ये लोगों की मदद करे? जिस टाइम इनको चुनाव के अंदर वोट लेना होता है तो घर घर में आते हैं, हर लोगों के पैरों में गिरते हैं, हर लोगों के घर में चाय पीते हैं, ये जीतने के बाद कहाँ मर जाते हैं? जब लोगों के पास क्यों नहीं आते, जब लोगों की समस्या क्यों नहीं हल करते? चलिए आपका देखिए गुस्सा जायज़ है, मैं लगातार देख रहा हूँ कि विशाल चावरिया जी जो है यहाँ लगातार बने हुए हैं और जिस दिन से इनको पता लगा है उस दिन से लगातार बने हुए हैं और इस सुनीता का जो है वो साथ दिए हुए हैं, परिवार के साथ में खड़े हैं। संत जी आप बताइए, आपने पुलिस प्रशासन से बात की और आप भी पढ़े लिखे हैं और आपसे अच्छे तरीके से उन्होंने जैसे भी जो भी बताया, आप जनता के सामने बताइए क्या पुलिस ने आपके सामने कार्रवाई को रखा? देखिए आज हम लोग निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन में
जो आयु है जी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उनसे हम लोगों की चर्चा हुई और मुझे लगता है कि एक घंटे के करीब हम लोगों की चर्चा रही जी। अगर देखा जाए तो पुलिस ने जो अपनी कार्रवाई करनी चाहिए थी सटीकता के आधार पर, उसने हमें आश्वस्त किया और जो फैक्ट्स पुलिस हमारे सामने प्रस्तुत कर रही थी, जो जो धाराएं लगनी चाहिए थी, कैसे मारा गया, किस चीज़ से मारा गया, कैसे फेंका गया और वो अभियुक्त उनको अरेस्ट किया गया, उन्होंने स्वीकार किया कब कैसे, और पुलिस ने कोर्ट के अंदर जो अपनी FIR है, FIR में जो विधिवत तौर पर कानूनी धाराएं हैं उसका प्रयोग किया है और उन्होंने SHO साहब ने कहा जो आयु है कि विक्टिम की माताजी के साथ हर प्रकार का सहयोग भी वो कर रहे हैं, जहाँ तक मशीन का प्रयोग है उन्होंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्होंने कहा कि जो CEO है जल विभाग का, उसके बड़े पदाधिकारियों को जॉइंट CP लेवल DCP लेवल तक की बात हुई है और बाकायदा उनको धमकाने का काम भी किया, धमका कर भी बोला है और एक पत्र व्यवहार भी उस डिपार्टमेंट के बीच उनका हुआ है कि और क्या क्या किया जा सकता है, ऐसी बात उनके साथ हुई है। पुलिस अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, किसके विरुद्ध करना, जिन्होंने क्राइम किया है, अभियुक्त पकड़े गए हैं, धाराएं लग गई हैं, पुलिस अपनी तरफ से बिल्कुल सटीक है। पुलिस का विषय जल विभाग को डांटना नहीं है, ये दिल्ली सरकार का विषय है। इसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, जल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तो बातचीत कर रहे हैं, जो हो सकता है वो कर रहे हैं। पुलिस ने हमको आश्वासन दिया है और बोला है कि जो और अच्छा हो सकता है मैं करने का प्रयास करूँगा। इसलिए मुझको लगता है कि अब सारा का सारा विषय जो दिल्ली का जल विभाग है उसके अंतर्गत आता है, जल विभाग MLA के अंतर्गत आता है और MLA मुख्यमंत्री के अंतर्गत आता है और मुझको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में सारा विषय है। अगर आप चाहें तो निश्चित तौर पर न्याय हमारे साथ है और आप अगर नहीं चाहें तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक माता अपने पुत्र की लाश को प्राप्त करने के लिए कई दिन से धक्के खा रही है, 2 महीने हो गए। ये केवल एक माँ का विषय नहीं है, ये भारतवर्ष की प्रत्येक माँ का विषय। क्यों, माताओं में कोई भेद नहीं है, एक पुत्र का जाना उसकी माता पर कितना प्रभाव डालता है, भाग रही है, जो उसको बता देती है बेचारी वो चली जाती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस देश की राजनीतिक व्यवस्था में दिल्ली में स्थापित एक लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार जिसको चुना गया और वाल्मीकि समाज का वो बालक, अभी मेरे से पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि वाल्मीकि समाज के लोगों ने उसको सत्ता पर बिठाया, ये हमारा दुर्भाग्य है कि नेता को हम चुनते हैं वो मुख्यमंत्री बनता है MLA बनता है फिर हमारी हमको वो इग्नोर क्यों कर देता है, ये हमारे को समझना होगा। मुझको लगता है वाल्मीकि समाज को सशक्तिकरण की आवश्यकता है, समाज एक हो जाएगा तो नेता को झुकाने में बहुत देर नहीं लगती। लोकतंत्र के अंदर शक्ति प्रदर्शन हमको करने आते हैं और शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से मुझको लगता है कि अरविंद केजरीवाल हो कोई भी हो हम बड़ी आसानी से उसको नीचे गिराने का काम कर सकते हैं। अपेक्षा ये है कि एक माँ को न्याय मिला, मिले सारे एकत्रित हुए हैं। मेरी जो सबर की क्षमता है ना वो ख़त्म होती जा रही है, ठीक है। मुझे इतना पता है कि भाई जब ये बता रहे इतने बड़े बड़े पाइप हैं, इतनी तेज उसका पानी का प्रेशर है ना, तो प्रेशर इतनी तेज है तो जहर से बात है, और मशीनें भी चल रही हैं, मशीनें चल रही हैं पानी खींचने की, तो अगर मेरा बच्चा उस गटर के अंदर गिरा है और पत्थरों के अंदर नहीं दबा है जिस हिसाब से ये लोग बता रहे हैं, तो प्रेशर सब लग तो टैंक के अंदर चला जाता, टैंक के अंदर पहुंच जाता, टैंक के अंदर कूड़ा पड़ा है। चलो मैं मान रही हूँ कि तुम इसमें मशीन नहीं लगा सकते, इसमें किसी को घेर भी नहीं सकते, आदमी को इसमें कुछ नहीं कर सकते, वो जो जाली का टैंक है वो बहुत बड़ा है जी। उसमें तो मशीन लगा मतलब सकते, मेन टैंक जो है जहाँ पे सारा सब जी, तो उसमें तो मशीन लगा सकते हैं, उसका तो कूड़ा निकाल सकते हैं। क्या पता मेरा बच्चा बह के पानी के प्रेशर से उधर अटक गया हो, नीचे टैंक के अंदर कूड़े के अंदर कहीं अटका पड़ा हो, और या जैसे ये लड़के बता रहे हैं कि हमने मार के उसमें घेरा है, ऐसे ना घेर के इन्होंने बोरी में बांध के घेरा हो, नहीं उसमें बोरी भी पड़ी है, मैं देख के आई हूँ अपने आँखों से जाकर टैंक के अंदर। शायद अगर वो कूड़ा निकल जाता है तो मुझे सबर हो जाए कि भाई मेरा बच्चा इसमें नहीं है, अभी भी उसी के अंदर है। MLA प्रवीण कुमार जी आपके पास में आए थे, आपसे बात भी की, उन्होंने आपसे पेपर भी लिए, तो आपको कितना उन्होंने सपोर्ट किया? भैया सपोर्ट क्या, मेरे बिरादर भाई, मेरे सारे भाई मेरे जुड़े, जुड़ने के बाद उनके घर पे बैठे, घर पे बैठने के बाद में उन्होंने, एक भाई ने फ़ोन दिया
एक भाई, बड़े भाई हमारे विशाल भाई, विशाल भाई ने फ़ोन पे बात करी, उन्होंने अगले दिन का टाइम रख दिया 2 बजे का। अगले दिन 2 बजे वो आए, आने के बाद में उन्होंने बोला कि बातें सारी हुई, उन्होंने बोला कि जी 2 दिन का टाइम दे दो, 2 दिन में आपका बच्चा हम लोग आपको दे देंगे, चाहे उसमें गोताखोर उतरे, चाहे मशीनें उतरे, चाहे कुछ भी उतरे, हम बच्चा आपको दे देंगे। भाई आज 1 हफ्ता हो गया पूरा, ठीक है। वो आए थे दिल्ली जल बोर्ड वाले आए थे, मैं भी आई थी उसी टाइम दिल्ली जल बोर्ड के पीछे पीछे, है ना। एक छोटी मशीन लेके आए थे, वो मशीन भारी थी, उन्होंने एक फल्टी गेरी तोड़ के, लकड़ी की फल्टी गेरी, उससे उन्होंने नापा, है ना, 15 फुट वो बताया कि 15 फुट गहरा है, है ना। इतना कह के भाई वो लोग चले गए, वो लोग 10:30 तो आपने पूछा नहीं उनसे क्या मतलब आप जा क्यों रहे हो, इसका करते क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि हम आगे का चेक करेंगे। अच्छा। अभी हम देख रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने पूछा था उनसे तो उन्होंने कहा हम कार्रवाई कर रहे हैं और हम चेक कर रहे हैं और हम कर लेंगे अपना काम। मैंने कहा दोबारा आएंगे लगता है भाई, मैं 3 बजे तक यही नाले पर बैठी रही, मैं और मेरी मम्मी बैठे रही है, तो भाई कोई भी नहीं आया। और जो इनका जो दिल्ली जल बोर्ड का जो AEJ है, मैंने उनको भी फ़ोन करा, मेरा किसी ने फ़ोन भी नहीं, फ़ोन नहीं उठा रहे आप? जी नहीं। आप भी देख ही रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, और पूरा जमाना देख ही रहा है, पूरा देश देख रहा है जिस बात को कि एक माँ अपने बच्चे की गुहार लगा रही है न्याय के लिए। सिर्फ इतना उसकी एक छोटी सी एक ख्वाहिश है, वो किसी मुआवजे के लिए नहीं लड़ रही। और आज एक माँ बड़े शर्मिंदगी की बात है उस समाज के लिए भी, जो अपने समाज के बच्चों के लिए भी नहीं खड़ा हो सकता, कि आज इस बात को धीरे धीरे करते करते 2 महीने होते जा रहे हैं। आज अगर वो MLA, चाहे वो आम आदमी पार्टी का है, आज उसकी वो पावर है कि उसके एक फ़ोन पे मशीन, सारे JEE सारे AEE पूरा जल बोर्ड डिपार्टमेंट सब कुछ खड़ा हो सकता है। जब ये कहीं एक छोटा सा आज के डेट में अगर एक नारियल फोड़ने भी जाते हैं तो MCD की पूरी टीमों को बुला लिया जाता है, सफाई कर्मचारियों को। आज उन्हीं सफाई कर्मचारियों के एक बच्चे की मौत हो गई, और उसमें ये एकदम बिल्कुल ढिलाई इसलिए बरत रहे हैं क्योंकि हमारा समाज आज ढीला है। इस बात का विषय ध्यान रखना मेरे भाई, और जितने आप लोग चुप्पी साधे बैठे हो उसे आप अपने लिए साध रहे हो। इन नेताओं का काम आपकी चुप्पी से भी चल रहा है। आज इस माँ की जो आवाज़ नहीं बन सकते ना, तो मैं कहना चाहता हूँ आपकी भी कोई आवाज़ नहीं बनेगा, मैं इतना जानता हूँ। कम से कम उनके तो हौसले बढ़ाओ जो इस माँ के लिए खड़े हैं। कम से कम अगर आप आ नहीं सकते तो इस मैसेज को तो फॉरवर्ड करो, जो हमारे समाज के लोगों तक पहुँचे, हमारे युवा साथी उन क्रांति भाइयों के पर पहुँचे। क्योंकि राजनेता तो जब आते जब कैमरे लगते हैं। आप चंद्रशेखर भीम से मिले? हाँ भाई, मैं वहाँ पे गई थी चंद्रशेखर भीम जी के पास में। जो कल तक ये बोलते थे कि हम दलितों की आवाज़ है, हम दलितों के मसीहा हैं, जब तक वो एक भीम आर्मी थी तब तक वो दलितों के थे। लेकिन आज एक राजनीतिक पार्टी जिसमें 76 बिरादरियों का और 36 बिरादरियों का वोट चाहिए, तो वो एक कौम की बात नहीं कर सकते। तो आज इस बात के लिए कहना चाहता हूँ, बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि मैं मान सकता हूँ उस समय जिस समय वो जंतर मंत्र पर गए उस समय बड़ी भीड़ थी, चकाचौंध कैमरों की चांदनियाँ थी, उस समय शायद इस बेटी का दर्द ना सुना हो। लेकिन अभी तो उसे सोशल मीडिया से पता चल रहा होगा। लेकिन वो सब नेता इसलिए जब आते हैं जब आप लोग, आपका समाज, आपके लोग, आपके भाई बंद, कैमरे, मीडिया और चकाचौंध खड़ी होती है, उस समय ये आपको आश्वासन देने आते हैं, जैसे कि इस बेटी को, इस बहन को मिल रहा है। मैं कहना चाहता हूँ अपने भाइयों से, आज मैं राजनीति पर भरोसा नहीं करता हूँ, आज मैं अपने उन भाइयों पर, उन शेरों पर भरोसा करता हूँ जिन्होंने नांगल की उस बेटी के लिए भी रात दिन एक किए, जिन्होंने हाथरस की उस बेटी के लिए भी रात दिन एक किए, जिन्होंने हर उस दलित बेटी के लिए अपने रात दिन एक किए। मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है, सिर्फ आप ही लोगों से मेरी विनती है सिर्फ, कि आप इस बहन की आवाज़ बने और उस बच्चे को, सिर्फ इस माँ को सहयोग करें। और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप आ नहीं पा रहे तो कम से कम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस मैसेज को, जो प्रशासन के और शासन के कान खोल दे। अब आगे का क्या प्लान रहेगा? आगे का यही प्लान है भैया, ये लोग साथ देते हैं तो ठीक है, नहीं तो समाज को जोड़ा जाएगा, 36 बिरादरी को जोड़ा जाएगा, और हम केजरीवाल का घेराव करेंगे कि वही तू क्या चाहता है हमारे से, कि हमारे लोग ऐसे ही मरने के लिए हांड रहे, हमारे लोगों का मर्डर कर दिया जाता है, नाले में फेंक दिया जाता है, और हम बॉडी निकालने के लिए भी तरस रहे। देखो कितना हमारे लिए ये, हमारे पूरे समाज के लिए, मैं कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए ये बहुत शर्म की बात है कि किसी माँ का बच्चा नाले में मार के फेंक दिया गया,
गोली मार के नाले में फेंक दिया गया हाथ पैर बांध के, और आज उसकी 2 महीने से बॉडी उसमें सड़ रही है और कोई निकाल नहीं पा रहा। कोई भी ऐसा माई का लाल नहीं है, कोई अपने माँ से इतना प्यार नहीं करता कि कोई आए नेता और खड़ा हो कि हम इस माँ को इसका बेटा निकाल के देंगे क्या। तो ये दिल्ली देश की राजधानी दिल्ली है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के अंडर में ये पूरा वाटर सप्लाई जो है वो आता है, और सिर्फ एक ऑर्डर की ज़रूरत है MLA की या केजरीवाल साहब की या अन्यों की, और तुरंत काम हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी वो काम नहीं करना चाहते, या क्या दिक्कत है वो इनको नहीं पता, वो हमें भी नहीं पता। तो इसके चलिए अब आगे देखते हैं इसमें क्या होने वाला है, क्योंकि अब जो युवा हैं वो युवाओं का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। अब वो क्या करेंगे, आगे क्या करने का प्लान है, तो वो अब यही जाने, क्योंकि जैसे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि हम आपको दिखा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से भी लोग आ रहे हैं, ऋषिकेश से संत जी आ रहे हैं और नोएडा से लोग आ रहे हैं, काफ़ी जगह से जो दूर दूर से लोग आ रहे हैं, वो सभी इसलिए आ रहे हैं कि इस माँ को जो है वो न्याय मिले। और केजरीवाल सरकार की जो है वो आँख नहीं खुल रही, 2 महीने से लगातार ये वीडियो वायरल हो रही है, ये सोशल मीडिया पर चल रहा, बड़े मीडिया पर चल गया, उसके बावजूद भी ना किसी की आँख खुल रही है, और शायद वो दड़ मार कर सो चुके हैं, क्योंकि सोए हुए के तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो दड़ मार कर पड़ा हो तो उसे कैसे उठाया जाए। तो चलिए इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल, धन्यवाद।